द्रव्य गुण का जो चौथा वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आंसर्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। टर्मिनेलिया बेलेरिका का पर्याय है टर्मिनेलिया बेलेरिका। तो टर्मिनेलिया से हमने तीन नाम याद किए थे, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया बेलेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टर्मिनेलिया बेलेरिका का देखिए अक्ष भी बोला जाता है, कर्षफल भी बोला जाता है और कलिद्रुम भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सभी जो है वो टर्मिनेलिया बेलेरिका के पर्याय हैं। मज्जा धातु में किस महाभूत का प्रधानता है? तो मज्जा धातु में जो है सिर्फ जल महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है बिल्व फल की मज्जा को डैश कहते हैं, जो बिल्व फल होता है उसकी मज्जा को डैश कहा जाता है, तो वो है बिल्व पेशिका और बिल्व कर्कटी। तो देखिए ये जो दोनों ही नाम है, ये दोनों ही कहा जाता है, बिल्व पेशिका भी उसे कहा जाता है और बिल्व कर्कटी भी कहा जाता है। तो आ और खा दोनों जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद है आरुष्कार पर्याय है, आरुष्कार पर्याय किसका माना गया है? तो आरुष्कार जो है वो भल्लातक को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भल्लातक है उसको माना गया है आरुष्कार का पर्याय। सुरभि पर्याय किसे माना गया है? सुरभि जो पर्याय बोला गया है वो किसे माना गया है? तो रासना को जो है सुरभि का पर्याय दिया गया है। रोहितक का पर्याय, तो रोहितक जो होता है वो होता है प्लीहग्न, और प्लीहग्न में जब श्रेष्ठ है तो ये इसका पर्याय माना गया है। लवंग का पर्याय क्या है? लवंग पर्याय जो है वो देव कुसुम भी है, श्री प्रशुन भी है और वरिज भी है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं वो लवंग के पर्याय हैं। अग्रिशिखा पर्याय किसका माना गया है? अग्रिशिखा, तो अग्रिशिखा जो है वो लांगली का पर्याय माना गया है, ठीक है। हरेणुका, तो हरेणुका जो होती है वो निर्गुंडी के बीच को कहा जाता है हरेणुका, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। माता है, माता किसे माना गया है? तो माता जो है वो हरितकी को माना गया है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि माता का जो वो दिया गया है तो वो हरितकी को। वारी है, ठीक है, यहाँ पे वारी जो है वो त्रिफला को नहीं कहा गया है, रसोन को नहीं, बाकुची को नहीं, सतावरी को जो है वो वारी कहा गया है। रुधिर पर्याय, जो रुधिर पर्याय माना गया है वो किसके लिए माना गया है? तो वो माना गया है कुमकुम के लिए, ठीक है। फिर है वॉर्म वुंड, ये है वॉर्म वुंड किसे माना गया है? तो ये माना गया है अफस्तीन के लिए, ठीक है, ये जो है अफस्तीन के लिए माना गया है। क्रिमिग्न है, क्रिमिग्न इनमें से कौन सा है? तो विडंग जो है वो नहीं है, हरिद्रा को क्रिमिग्न माना गया है, ठीक है। मॉन्क्सहुड है, मॉन्क्सहुड किसे कहा जाता है? तो ये सबको याद होता है कि वत्सनाथ जो है उसको मॉन्क्सहुड कहते हैं। चक्रांगी पर्याय है, चक्रांगी पर्याय है किस बेसिस पे? तो चक्रांगी जो है वो सुदर्शन का पर्याय है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना, कदम नहीं है, धान्यक नहीं है, यवश नहीं है। हिंगू का पर्याय, हिंगू जो होता है उसका क्या पर्याय माना गया है? तो सहस्त्रवेधी, जी हाँ, हिंगू जो होता है वो सहस्त्रवेधी होता है। जतुक और रामठ, ये तीनों ही हिंगू के पर्याय माने गए हैं। योषित प्रिय है, योषित प्रिय किसे माना गया है? तो योषित प्रिय जो है वो हरिद्रा को माना गया है, ठीक है, तारुणी को नहीं, कुकुम कुमघुम को नहीं और मांस को नहीं, हरिद्रा को माना गया है। चंदन का अन्य नाम है, जो चंदन है उसका अन्य नाम क्या माना गया है? तो त्रिपर्ण नहीं, त्रिपर्णी नहीं, त्रिखंड जो है ये माना गया है चंदन का अन्य नाम, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। महाऔषध किसका पर्याय है? महाऔषध का पर्याय दिया गया है तो वो है वसा का नहीं, आतिश का नहीं, हरितकी का नहीं, सुंठी का जो है उसे कहा गया है कि ये महाऔषध है। यवस का पर्याय है, जो यवस है
उसका पर्याय क्या माना गया है? तो यवस का पर्याय माना गया है दु स्पर्श जो होता है उसको यवस का पर्याय माना गया है। स्पर्शा नहीं है, दध्याली नहीं है। सिगरू का पर्याय, सिगरू का पर्याय क्या होता है? तो सिगरू का जो पर्याय है वो तीक्ष्ण गंधा, जी हाँ, मोचक रस ये भी होता है, अचीव ये भी होता है, तो इसमें सभी जो हैं वो सिगरू के पर्याय माने गए हैं। मांगल्य कुसुम है, मांगल्य जो कुसुम है उसका क्या माना गया है? तो मांगल्य कुसुम किसको माना गया है? तो इसमें आप देखेंगे कि तारुणी, तारुणी को नहीं माना गया, शंख पुष्पी को मांगल्य कुसुम से बताया गया है। पूती वृक्ष पर्याय है, जो पूती वृक्ष है वो किसका पर्याय माना गया है? तो अरालू का पर्याय को पूती वृक्ष कहा गया है। मलाबार नट्स, ये किसे कहा गया है? मलाबार नट्स, तो इसमें आप देखेंगे कि वसा जो है, वचा नहीं वसा, ठीक है, उसको कहा गया है। आम पाचन द्रव्य डैश रस प्रधान होते हैं, जो आम पाचन द्रव्य होते हैं वो क्या प्रधान होते हैं? तो वो तिक्त रस प्रधान होते हैं, ठीक है। हिस्फीतत पर्याय है, हिस्फीतत पर्याय किसका बताया गया है? तो ये जो होता है ये अश्व बला का पर्याय होता है, नाग बला का नहीं होता, अश्व बला का पर्याय होता है, ठीक है। किसके बीज का तेल इस्ट्रोजन के समान वीर समान कार्य करता है, ठीक है, इस्ट्रोजन के समान कार्य किसका करता है? तो इसका आंसर है कि चंद्र सूर्य का जो बीज होता है उसका जो तेल होता है वो जो है इस्ट्रोजन के समान काम करता है। शंख पुष्पी का कुल है, शंख पुष्पी का कुल है, कौन सा कुल का है शंख पुष्पी? तो शंख पुष्पी जो है वो कौनवलस्य का है, ठीक है। लोद्र का प्रयोजांग क्या माना गया है? तो लोद्र जो होता है उसका प्रयोजांग जो है वो त्वक माना गया है। कुमकुम का प्रयोजांग क्या माना गया है? कुमकुम जो होता है उसका जो प्रयोजांग है वो पंचांग नहीं लिया जाता है, पुष्प भी नहीं लिया जाता, कंद में नहीं, यहाँ पे केसर जो है ये लिया जाता है, ठीक है। वीर का ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष से भी वीर का ज्ञान होता है और अनुमान से भी वीर का ज्ञान होता है, तो ये दोनों ना की युक्ति से। फिर है गुंजा का प्रतिविष है, गुंजा जो है उसका प्रतिविष किसको माना गया है? तो चौलाई जो भाजी होती है उसको माना गया है गुंजा का प्रतिविष। उसके बाद है छुआरा किसका फल है, छुआरा जो होता है वो किसका फल माना गया है? तो पिंड खजूर जो होता है उसका फल छुआरा को माना जाता है। खजूर से निकलने वाला रस का नाम है, जो खजूर है उससे निकलने वाला जो रस है उसका नाम क्या बताया गया है? तो नीरा भी कहा गया है, खजूरी भी कहा गया है, तो ये जो दोनों नाम है ये दोनों ही नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है चम्पेय पर्याय है, चम्पेय पर्याय किसका माना गया है? तो ये जो है नाग केसर को कहा गया है। गुप्त स्नेह है, गुप्त जो स्नेह कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो स्नेह भेद, स्नेह परिकल्पना को नहीं कहा गया है, अंकोल का पर्याय जो होता है वो गुप्त स्नेह कहा गया है, ठीक है। स्नेह भेद भी नहीं है, नारिकेल का पर्याय भी नहीं। व्यंग व्याधि में प्रयुक्त होता है वटांकुर भी मांसूर भी, तो दोनों ही जो है वो प्रयुक्त होते हैं। वाम सीड है, अभी हमने इसका क्वेश्चन जो है लगाया था, तो वाम सीड किसे माना गया है? तो यहाँ पे चौहार जो है उसको वाम सीड माना गया है, ठीक है। इसके पहले भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन लगाया था जिसका आंसर कुछ और गया था। फिर जो है तो आपको अच्छे से उसे पढ़ लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को लगाना है आपको। जयावटी में होता है, जयावटी में होता है क्या होता है? तो जयंती जो है वो जयावटी में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है शुद्ध हींग का पानी मिलाने पर पानी का वर्ण हो जाता है, जो शुद्ध हींग है अगर उसको हम मिलाएं तो पानी का वर्ण कैसे हो जाएगा? तो रक्त वर्ण का नहीं, दुग्ध सदृश जो है उसका वर्ण हो जाएगा अगर शुद्ध हींग को मिलाया जाए। ईगल वुड है,
ईगल वुड जो है अगरू को कहा जाता है। जीवंती का वनस्पतिक नाम है, जीवंती जो है उसका वनस्पतिक नाम क्या माना गया है, तो डायोस्कोरिया बल्बीफेरा जो है वो जीवंती का नाम माना गया है। लोद्र का कुल है, जो लोद्र है उसका कुल क्या माना गया है, तो वो माना गया है सेल पोलिएशी जो फैमिली है उसमें रखा गया है इसको। इसके बाद जो है काकोली क्षीर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य किसे माना गया है, तो काकोली और क्षीर काकोली का अश्वगंधा को प्रतिनिधि द्रव्य बताया गया है। उसीर का पर्याय जो है उसीर का पर्याय किसको किसको माना गया है, तो देखिए नालद जो है नालद यहाँ पे दा में आ की मात्रा नहीं, जो नालद है ये पर्याय माना गया है। तारुषका ये किसका पर्याय माना गया है, तो ये यवानी का माना गया है, लेकिन यवानी में भी पारशिक जो यवानी होती है उसको कहा जाता है। वैग्र है, वैग्र किसे माना गया है, तो ये जो है चित्रक को कहा गया है, ठीक है। गंध विरोजा प्राप्त करते हैं, गंध विरोजा जो होता है उसको प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो सरल से जो है ये गंध विरोजा प्राप्त होता है। और संपक पर्याय है, संपक पर्याय किसका है, तो अरगवत जो होता है उसका संपक भी पर्याय कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के 50 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।